हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो। तो मैं ऐसे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड फेस लॉक को कैसे इनेबल करते हैं, कैसे सेट करते हैं। आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड किसी भी हैंड्रॉइड डिवाइस में, ओप्पो के कोई सा भी हैंड्रॉइड डिवाइस हो, आप उसमें भी फेस लॉक को सेट कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा। दो तरीका आपने सुना नहीं होगा फ्रेंड कभी भी, जो कि मैं आपको 100% फेस लॉक लगा के दिखाऊंगा। तो आपको कैसे क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। और फ्रेंड बीच में जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो फ्रेंड आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको फेस लॉक, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख दे तो आपका ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि हर एक फोन में जो है सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, या किसी किसी में नहीं होता है। तो मैं उसके लिए दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे फेस लॉक लिख देना है, ऑलरेडी आ जाएगा। नहीं आता है फेस लॉक से तो आप पासवर्ड लिखे, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने ये सेटिंग्स डिफरेंट का था तो मैंने इसलिए बताया। और आप ऊपर की ओर दूसरा तरीका देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर की ओर स्लाइड करना है। ऊपर की ओर स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड। तो आप इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आप मेरे क्या करना है, यहाँ पे फेस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपने डाला है, पासवर्ड लगा के वो डाल लेना है। मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो मैंने ये डाल लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं फेस। तो इस पे जो है फेस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और इस तरह से फेस के सामने फोन को रखना है। तो अब मैं इसमें रख लेता हूँ, कंटिन्यू पे कर देता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद आपको देख सकते हैं कि इस तरह से ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है और ये फेस लॉक हमारा ऐड हो चुका है। तो आप इसी तरह से फेस लॉक को इनेबल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आज की वीडियो आपने सीख लिया है फेस लॉक को कैसे सेट किया जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।